आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिश करी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत मज़े की बनती है ये, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिए है मैंने ये सुरमई फिश, आप कोई भी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लिए है मैंने ये 3 मीडियम साइज की अनियन है जिसको मैंने फाइन पेस्ट कर लिया है। ये सरसों का तेल है, फिश में सरसों का तेल ही यूज करें, सरसों के तेल से फिश बहुत अच्छी बनती है। ये 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, ये थोड़ी सी कलौंजी है और थोड़ा सा मेथी दाना है, ये 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट है। ये कुछ मसाले जाएंगे इसमें, ये 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर है, ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट जाएगा इसमें, पिंच ऑफ टर्मरिक है ये, 1 टीस्पून ये क्यूमिन पाउडर है और ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम अपना ये ऑयल और ये ऑयल को हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है। सरसों का तेल एकदम तेज गर्म करा जाता है उसके बाद पकाया जाता है, तो इसे तेज गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम फिश में अपनी थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देते हैं, सब पीसेस में लगा देंगे हल्दी थोड़ी थोड़ी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है करी का। ये देखिए हमारा ऑयल एकदम तेज गरम हो गया है, अब हमने इसकी फ्लेम को स्लो कर दिया है, अब हम इसमें अपनी अनियन डाल देंगे। ये फिश करी बहुत टेस्टी होती है और बहुत स्मूथली बन जाती है, लेकिन इसका मसाला जो है हमें बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है, इसका मसाला एकदम दानेदार होना चाहिए। तो हमने अपनी इसमें अनियन डाल दी है, पर डाल देंगे अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, चला लेंगे चम्मच इसमें अच्छे से और 2 मिनट इसको जिंजर गार्लिक के साथ अपने अनियन को भून लेंगे। ये देखिए हमने अपने जिंजर गार्लिक के साथ अनियन को भून लिया था, अब इसमें सारे पाउडर मसाले डाल देंगे, कलौंजी और मेथी दाना भी डाल देंगे, चलाएंगे इसको अच्छे से। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छे से भूनना है हमें ढक के, ताकि ये मसाला एकदम दानेदार हो जाए। तक हमारा मसाला बनता है, हम अपनी फिश को शैलो फ्राई कर लेते हैं। फिश को शैलो फ्राई करने से उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और ये दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा ओवर नहीं कर सकते, हल्का सा ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं इसमें, इसको फ्राई करना है। तो अपना मसाला चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन गया है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, अब हम इसमें दही डाल देंगे, दही फेंट के डालिएगा। और 5 मिनट के लिए इसे और स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। Thank you.
कि हमने अपनी फिश को हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है, ज्यादा नहीं फ्राई किया क्योंकि ये भी मसाले में भी पकेगी। चलिए हम अपनी ग्रेवी की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला भुन के तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर और कलर देखिए, एकदम दानेदार मसाला, ऐसा ही होना चाहिए। ये मसाला हमारा रेडी है, हम इसमें अपनी फिश ट्रांसफर कर देंगे। देखिए हमने अपनी सारी फिश जो है वो मसाले में डाल दी है, और इसमें आप पानी बिल्कुल मत डालिए, बस इसको 5 मिनट के लिए हमें दम करना है ढक के, उसके बाद हम अपनी फिश देंगे। हम अपनी फिश चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी फिश कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, और इसका मसाला भी एकदम देखिए ऐसी होनी चाहिए हमारी फिश। ज़्यादा पतली ग्रेवी इसमें अच्छी नहीं लगती है, भुनी भी अच्छी लगती है। चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी और बहुत ही सिंपल और आसान फिश करी बनके तैयार है। इसे आप नॉर्मल जीरा राइस के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।